आज की क्लास में हम हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में जो साइंस वाला पार्ट मेंशन है, जहां पर दो अंक के दो प्रश्न पूछे जाने हैं, उसमें सिलेबस में मूलभूत विज्ञान, दैनिक जीवन में उपयोगी विज्ञान, ऐसा सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो उसी पर आधारित फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण हैं, उस पर बातचीत करते हुए हम साइंस वाले पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जहां से बार बार व्यापम द्वारा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हुए फिजिक्स वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। मैं पहले ही मेंशन कर दूं, नोट्स का जो पूरा कंटेंट है वो हमारे सब्जेक्टिव बुक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव बुक भी अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि फिजिक्स क्या है या भौतिकी क्या है। तो किसी भी वस्तु या पदार्थ की भौतिक अवस्था का अध्ययन विज्ञान के जिस क्षेत्र में किया जाता है, उस क्षेत्र को भौतिक शास्त्र कहा जाता है या भौतिकी कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हम पदार्थ या वस्तुओं की भौतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा, जितनी भी भौतिक अवस्था का अध्ययन करने के लिए भौतिक राशियां होती हैं, क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियां होती हैं। अब ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं, ये दो प्रकार, दो भागों में विभक्त हो जाती है, या दो प्रकार की भौतिक राशियां होती है। एक होता है सदिश, जिसको इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है, और दूसरा होता है अदिश, जिसको इंग्लिश में स्केलर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदिश और अदिश में अंतर क्या है। तो समझिएगा, किसी भी वस्तु को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आपके शरीर का वजन मैं पूछूं या वेट मैं पूछूं, तो एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, 150 केजी, माना कि 150 केजी आपका बॉडी वेट है, ठीक है। तो ये 150 नंबर 150 क्या है, ये है परिमाण, मैग्नीट्यूड इसको बोलेंगे, और केजी जो है ये SI यूनिट है, किसका, द्रव्यमान का। तो केजी क्या है, मात्रक है। तो परिमाण और मात्रक के माध्यम से हम वस्तु की, हम शरीर के भार को स्पष्ट रूप से बता पा रहे हैं। इसमें एक और चीज हम जोड़ दें, वो है दिशा, है ना। तो भाई जैसे साइकिल सामने से आ रही है, उसको रोकना है तो उसके अपोजिट आप बल आरोपित करोगे तभी वो साइकिल रुकेगी। तो यहाँ पर बल किस दिशा में आरोपित करना है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है, है ना। तो फिजिक्स में तीसरी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है डायरेक्शन या दिशा। दिशा के मुताबिक आरोपित बल एवं अन्य चीजों का अध्ययन किया जाता है। ये तीन चीजें आ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सदिश और अदिश, अब देखो यूनिट तो सभी में होंगे, बिना यूनिट के तो प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, सदिश और अदिश दोनों में परिमाण होता है, परिमाण दोनों में होता है, लेकिन दिशा या डायरेक्शन जो है वो सिर्फ सदिश राशियों में होती है। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, सदिश और अदिश। सदिश वे भौतिक राशियां हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा होती है, जिसमें परिमाण के साथ दिशा होती है, और जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है, वे भौतिक राशियां अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। सदिश भौतिक राशियों का उदाहरण है संवेग, विस्थापन, त्वरण, भार, बल इत्यादि, और वैसे ही अदिश भौतिक राशियों का उदाहरण है जैसे कि लंबाई, घनत्व, गति, आयतन, ये सभी जो है अदिश भौतिक राशियां हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, गति जो है सदिश भौतिक राशि है, चाल जो है अदिश भौतिक राशि है, है ना। फिर देखिए, अब सामान्य नियम क्या कहता है, कोई भी द्रव हो या गैस हो, इसमें हम ठोस की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी द्रव हो, ठोस की बात इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ठोस में प्रवाह या बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। बहने की प्रवृत्ति किसमें होती है, द्रव में होती है या गैस में होती है। तो द्रव या गैस की जो बहने की प्रवृत्ति है या जो इसका प्रवाह है, यह अधिक दाब से कम दाब की ओर, अधिक दाब से कम दाब की ओर, ध्यान दीजिएगा,
सामान्य नियम के अनुसार कोई भी द्रव है या गैस है वह अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। तो एक प्रश्न बनता है अत्यंत महत्वपूर्ण, क्या कि द्रव या गैस के प्रवाह होने की दिशा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चार कथन हो सकते हैं, उनमें सत्य कथन कौन सा होगा? अधिक दाब से कम दाब की ओर द्रव या गैस का प्रवाह होगा। आ रही बात समझ में? इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब इसी को हम थोड़ा और देखते हैं वायुमंडलीय दाब के परिप्रेक्ष्य में। हाइड्रोजन से भरा हुआ जो गुब्बारा है वो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाता है वैसे वैसे उसके आकार में या अमाप में वृद्धि होती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है वह और बड़ा होते जाता है, फूलते जाता है अपने आप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनत्व में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनत्व में कमी आती है। करेक्शन कीजिएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनत्व में कमी आती है। तो घनत्व में कमी आने से क्या होगा? घनत्व क्या है? एकांक आयतन में अणुओं की संख्या घनत्व है। तो घनत्व में कमी आती है मतलब क्या होता है? अणुओं की जो बीच की दूरी है वो दूरी बढ़ जाती है और इस वजह से आकार में वृद्धि होती है। घनत्व में कमी आने के कारण अणुओं की बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे घनत्व में कमी आती है, और घनत्व में कमी आने के कारण गुब्बारा जो है और फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके आकार में वृद्धि होती है। तो प्रश्न बनता है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को जब ऊंचाई पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा? उसके आकार में वृद्धि होगी। दूसरा प्रश्न बनता है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को जब ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनत्व में, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनत्व में क्या होता है? कमी आती है, ये उसका कारण है। आई बात समझ में? अब देखिएगा अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला पोर्शन है हमारा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाने के कारण जल का क्वथनांक भी घटता जाता है ना। जल का जो क्वथनांक है वो सामान्य स्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, लेकिन जब ऊंचाई बढ़ती जाती है या ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इससे क्या है, पानी जो है जल्दी उबलने लगता है ना भाई। तो इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब ऊंचाई पर कम हो जाता है, इसलिए जल का क्वथनांक जो है वह कम हो जाता है, घटता जाता है। वैसे ही वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज वगैरह में यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है, तो इसका भी कारण क्या है? वायु दाब में कमी के कारण। फिर वैसे ही देखेंगे शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी जो चौड़ाई है वह अव्यवस्थित होती है। प्रश्न किस रूप में है कि शीशे की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो इनमें से क्या होता है ना? तो अब ऑप्शन ए में लिख देगा इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है, ऑप्शन बी में लिख देगा इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ए और बी दोनों सही हैं। इस तरह से आप अपने प्रश्न के उत्तर का चयन करेंगे। पानी जमने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, ध्यान दीजिएगा, पानी के जमने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है। आ रही बात समझ में? पानी के जमने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है। इसी कारण पानी से भरी बोतल को जब फ्रीजर में रखा जाए, ठीक है, तो वो टूट जाती है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा ये किस पर एप्लीकेबल है, कांच के जो बोतल है उस पर एप्लीकेबल है। आप इसको अपने घर में भी देख सकते हैं, कांच के बोतल में पानी भर के फ्रीजर में रख दीजिए तो आप देखेंगे जब वो पूरा बर्फ जमेगा तो कांच जो है क्रैक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तड़क जाएगा, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के जमने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है। एक जहाज नदी से जब समुद्र में प्रवेश करता है, ध्यान दीजिएगा कहां, एक जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठेगा, क्या होगा, तो वह ऊपर उठेगा। एक जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठेगा। लोहा, लोहे की कील जो होती है, लोहे का जो खिला होता है, कील जो होता है, ये पारे पर तैरती है, किस पर, पारे पर तैरती है, जबकि पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक है,
परंतु पारे से कम। तो लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है, इसलिए लोहा पारे में तैरने लगता है। ठीक, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो कारण उनका कम घनत्व है। कम घनत्व होने के कारण बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या होगा? उसका घनत्व जो है परिवर्तित नहीं होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उसका आयतन बदलेगा, उसका भार बदलेगा, उसका द्रव्यमान बदलेगा। ठीक, ये तीनों में परिवर्तन होंगे। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भाप से हाथ अधिक जलता है, उबलते पानी की तुलना में भाप में जलन ज्यादा होती है, भाप से हाथ अधिक जलता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आपसे पूछा जाए अधिक जलन किससे होगा, उबलते पानी से या भाप से, तो अधिक जलन भाप से होगा। कारण क्या है इसका? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आगे देखेंगे, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक से गिरावट आ जाए, वायु दाब की रीडिंग में अचानक से, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक से गिरावट आ जाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि अब मौसम तूफानी होने वाला है, है ना भाई? आज कुछ तूफानी करते हैं वाली बात आ जाएगी। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक से गिरावट आ जाए तो ऊंचाई कई जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के कम तापमान पर उबलने लगता है। क्यों? पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु है वह नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर हम देखें पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात को। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। होता क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। अब संवेग बटा वेग कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। सीजीपीएसई प्रारंभिक परीक्षा में भी इस प्रश्न को एक बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, संवेग एवं वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। गेंद जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी प्रक्षेप उतना ही छोटा होगा। समझिएगा बात को, क्या होता है? किसी पत्थर को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं या गेंद को, तो वह इस तरह से नीचे गिरता है, तो इस तरह की जो गति है ये प्रक्षेप गति कहलाती है। इस तरह की जो गति है ये प्रक्षेप गति कहलाती है। अरे बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेप मतलब गेंद जो है जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा प्रक्षेप उतना छोटा होगा। ये देखो, प्रक्षेप जो है वो छोटा होगा। गेंद जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी प्रक्षेप उतना ही छोटा होगा। तो अधिकतम प्रक्षेप के लिए सबसे ज्यादा हमको प्रक्षेप मिले, मैक्सिमम प्रक्षेप मिले, उसके लिए गेंद को 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। तो प्रक्षेप कोण यदि 45 डिग्री हो तो गेंद का जो प्रक्षेप, तो जो प्रक्षेप है वह सबसे अधिकतम प्राप्त होगा, सर्वाधिक प्राप्त होगा। तो अधिकतम प्रक्षेप के लिए 45 डिग्री के कोण पर गेंद को फेंकना चाहिए। प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। वॉशिंग मशीन की हम बात करें तो वॉशिंग मशीन में कपड़े जो हैं वो वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। और वृत्ताकार पथ में किस प्रकार से गति करते हैं? पथ के केंद्र से बाहर की ओर, पथ के केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रण बल कार्य करता है। अपकेंद्रण बल कार्य करता है। देखिएगा, जब आप वित्तीय गति करते हैं ना, तो ये केंद्र जैसे है, तो केंद्र की ओर जो बल कार्य करेगा ये होगा आपका अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होगा? अभिकेंद्रीय बल। तो केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है ये अभिकेंद्रीय बल होता है, और बाहर की ओर जो बल कार्य करता है ये अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रण बल होता है। तो वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है वह वित्तीय गति के अपकेंद्रण बल पर आधारित है, और इसी के कारण कपड़ों से जो मैल है वह बाहर निकल जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है कार्य करने का, वह अपकेंद्रण बल पर आधारित है। फिर देखेंगे, लकड़ी हुआ, लोहा हुआ और मोम हुआ,
तीन मटेरियल हो गए, लकड़ी, लोहा और मोम, इसके समान आकार, ध्यान दीजिएगा, समान आकार के टुकड़ों को, समान द्रव्यमान नहीं कहा गया है, समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाएगा, समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाएगा तो सभी टुकड़े साथ साथ पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगे, तीनों टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगे। पलायन वेग, पलायन वेग ऐसी गति होती है जिसमें कोई पिंड जो है किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण सीमा से परे हो जाता है। पलायन वेग वस्तु की ऐसी गति है जिससे वह उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर चले जाता है। तो सैटेलाइट वगैरह की लॉन्चिंग में इसी थ्योरी का यूज होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह कितना है, वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आप गति करते हो तो पृथ्वी के पलायन वेग से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। लोलक घड़ियां जो होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि ताप में वृद्धि के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और लंबाई बढ़ने से लोलक का दोलन काल या दोलन करने में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, दोलन काल या दोलन करने में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक हार्स पावर, एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। एक हार्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे हम देखें, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। त्वरित गति मतलब क्या है, वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है वह अधिक मालूम पड़ेगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस वजह से सड़क पर चलना जो है आसान है बर्फ की तुलना में। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा, तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि W इज इक्वल टू mg, वेट, भार बराबर द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण, और पृथ्वी पर जी की वैल्यू होती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस वजह से भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है, मेरी बात को दिमाग में डालने का प्रयास कीजिएगा। ध्रुवों पर, पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, ठीक है, तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है, इसलिए ध्रुवों पर वस्तु का भार जो है वो सर्वाधिक प्राप्त होगा, विषुवत रेखा की तुलना में सर्वाधिक प्राप्त होगा। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश से बढ़ते हुए अक्षांश की तरफ किस जाने पर किसी वस्तु का वजन बढ़ता जाता है। तो 0 डिग्री से जैसे जैसे जाते जाएंगे अक्षांश की तरफ तो वस्तु का वजन जो है बढ़ता जाएगा। कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलते जाता है जो कि सर्वाधिक होता है कहां, ध्रुवों पर, ठीक। और न्यूनतम कहां पर होता है, तो 0 डिग्री पर, यह भी ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम के प्रतिपादक न्यूटन है, आप पहले से इसको जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण का मूलभूत सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है, ऊर्जा का एक से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। बस इस तथ्य से भी आप पहले से वाकिफ हैं, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और यह सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा संग्रहगार है, इससे भी आप भलीभांति परिचित हैं। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य में ऊर्जा जो होती है वो हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। देखिएगा, नाभिकीय घटना में दो चीजें होती है, एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय
विखंडन और एक होता है नाभिकी संलयन। ठीक है, तो नाभिकी विखंडन में क्या होता है, जो भारी नाभिक है वह हल्के नाभिक में टूटते हैं, जो भारी नाभिक है वह हल्के नाभिक में टूटते हैं, ठीक है, विखंडन में। और संलयन में क्या होता है, जो नाभिक है वो जुड़कर नए नाभिक का, नए भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो संलयन में जुड़ना होता है, विखंडन में टूटना होता है। तो भारी से हल्के में और संलयन में हल्के नाभिक जुड़कर नए नाभिक का निर्माण करेंगे, भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। तो ज्यादा ऊर्जा किस प्रक्रिया में उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन में ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सूर्य में ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होने के कारण ही सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखिएगा। तारे अपनी ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन से ही प्राप्त करते हैं, गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। तो तारे जो हैं वो अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुन भी रहे होंगे ना ईयरफोन लगा करके, तो यकीन मानिए चीजें आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी, आपको पढ़ने की रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर देख करके आपको चीजें याद आ जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सौर सेल जो है कृत्रिम उपग्रह को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो अपनी एनर्जी सोलर सेल के द्वारा, उनको एनर्जी मिलती है, सोलर सेल से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊनी वस्त्र जो होते हैं ये गर्म रखते हैं, ऊनी वस्त्र जो हैं वो गर्म रखते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है, ऊनी वस्त्रों के रेशों के मध्य वायु होती है, रेशों के मध्य वायु होती है, और ये जो वायु है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, वायु जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, तो आपके शरीर के ताप को वायुमंडल तक नहीं पहुंचने देती, इसलिए ठंड के दिनों में ठंड से बचने के लिए हम ऊनी वस्त्रों का, ऊनी कपड़ों का उपयोग करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, जल्दी पकता है, क्यों, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप या क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। सेंटीग्रेड और फेरनहाइट टेम्परेचर मेजरमेंट के दो यूनिट हैं, सेंटीग्रेड और फेरनहाइट, ठीक है, ये दोनों जो है -40 डिग्री पर एक ही रहते हैं, ये दोनों एक समान किस ताप पर होते हैं पूछा जाए तो -40 डिग्री पर दोनों एक ही रहते हैं। इस तरह से आपको चीजों को ध्यान रखना है। थर्मोस्टेट या ताप स्थापी जो है, थर्मोस्टेट टेम्परेचर स्थिर रखने का एक साधन है या उपकरण है। थर्मोस्टेट्स का क्या उपयोग है, ताप को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में अधिक ऊष्मा होगी, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि जल वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए उसमें अधिक ऊष्मा होगी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो आपको बस याद रखना है कि पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है, ठीक। फिर है हवा के ताप नमी आद्रता संचार नियंत्रण की विधि को वातानुकूलन कहते हैं, ठीक है, हवा के ताप नमी आद्रता संचार नियंत्रण की विधि को वातानुकूलन कहते हैं। वातानुकूलन किसे कहते हैं ये ध्यान में रखिएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में यदि छुआ जाए तो लोहे का जो गुटका है वो आपको अधिक ठंडा महसूस होगा। कारण उसका क्या है, लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है लकड़ी की तुलना में। किसी भी द्रव की खुली सतह में कम से कम क्षेत्रफल घेरने की जो प्रवृत्ति होती है, किसी भी द्रव की खुली सतह में कम से कम क्षेत्रफल घेरने की जो प्रवृत्ति होती है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, तो कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है,
पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा जल की बूंदे गोलाकार होती हैं। तो वर्षा जल की बूंदे गोलाकार क्यों होती हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। तेल जल पर तेल जो है वो जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वह पानी से कम होता है। तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है इसलिए तेल जो है पानी में तैरने लगता है। पृष्ठ तनाव के ही कारण आपका जो चिमनी है या स्टोव है जिसमें बत्ती लगा होता है इसमें जो केरोसिन है जो मिट्टी का तेल है ये ऊपर चढ़ता रहता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। दीर्घ तरंग धैर्य वाले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह लघु तरंग धैर्य वाले प्रकाश से कम होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे लाल रंग की हम बात करें तो लाल रंग रेड कलर जो है इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, मतलब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और ब्लू जो है जो बैगनी कलर है इसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। तो दिमाग में बात रखिएगा, क्या दीर्घ तरंग धैर्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग धैर्य वाले प्रकाश से कम होता है और लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तरंगों में रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो किस तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंग की तरंग लंबाई जो है वो सबसे अधिक होती है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते, दूरदर्शन के संकेत या सिग्नल एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते, उसका कारण है कि पृथ्वी की जो सतह है वह वक्राकार है। उसका कारण क्या है? पृथ्वी की जो सतह है वह वक्राकार है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वह काला दिखाई पड़ता है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया जाए तो बगल से आप देखेंगे तो जो छड़ी है और वो छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होगी। जो छड़ी है वो छोटी लगती है और झुकी हुई बैंड आपको दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, रेगिस्तान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है जिससे नीचे की जो वायु है वह विरल वायु और ऊपर की जो वायु है वह सघन माध्यम का काम करती है। रेगिस्तान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो नीचे की वायु विरल वायु हो जाती है, विरल माध्यम हो जाता है, और ऊपर का जो है वह सघन माध्यम हो जाता है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यदि क्रांतिक कोण का जो मान है IC इसका मान आपतन कोण के मान से अधिक हो, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो और प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। और जैसे आप देखेंगे कि सड़क में बीच बीच में आपको पानी दिखाई देता है पर पास में जाने पर पानी नहीं दिखाई देता, इस घटना को मृग मरीचिका कहा जाता है। ठीक है, इसका भी कारण क्या है? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही इसका कारण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है यह अपवर्तन का ही एक विशिष्ट रूप है। जब क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो और प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। विकिरण के कारण साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो साफ रात जो है मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों? विकिरण के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। ठीक है, तो साबुन में जो चमकदार रंग झाग में जो आपको दिखाई देते हैं उसका कारण क्या है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के झाग में आपको विभिन्न रंग जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस करता है।
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस बोला जा रहा है, अवतल दर्पण नहीं, ध्यान रखिएगा। तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, पहले ही बता चुका हूं। इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए यह दूर से दिखाई पड़ता है। फिर हम बात करें प्रकाश तंतु की, तो ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु जो है यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग बहुत कम होता है और रेडियो आवृत्ति अवरोध से यह मुक्त होता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। कार चलाते समय या आपकी गाड़ियों में व्हीकल में जो दोनों मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, वह कौन से दर्पण होते हैं? यह उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कार के मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे जो दूर की वस्तु है, इससे दूर की जो वस्तु है वह पास दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु पास दिखाई पड़ती है और अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई पड़ती है, ठीक है। दूर की वस्तु पास दिखाई पड़ती है, अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई पड़ती है, इसलिए हम समय रहते साइड दे सकते हैं उस गाड़ी को निकलने के लिए, तो हमको बचाव का समय पर्याप्त मिल जाता है। इसलिए यातायात को देखने के लिए गाड़ियों में किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूर की वस्तु पास दिखाई पड़ती है और अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई पड़ती है। इस कारण आकाश नीला प्रतीत होता है, क्योंकि वातावरण में वायु के कण सूर्य की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, ठीक है, सूर्य की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं और बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। हीरा डायमंड, इसका जो अपवर्तनांक है वो बहुत अधिक होता है, 2.42 लगभग, ठीक है, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है और अपवर्तनांक बहुत अधिक होने के कारण इसका क्रांतिक कोण कम होता है। अपवर्तनांक अधिक होने के कारण क्रांतिक कोण कम होता है, जिससे जो प्रकाश किरण हीरे के अंदर प्रवेश करती है उसका लगातार बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वह प्रकाश किरण बाहर नहीं आ पाती, इसलिए हीरा हमें चमकदार दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसका बार बार परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश किरण का होता रहता है। तो अपवर्तनांक अधिक होगा तो क्रांतिक कोण कम होगा, इस तरह से भी इसको ध्यान में रखिएगा। माध्यम में धूल व सूक्ष्म कणों से प्रकाश के गुजरने पर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होने की क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। धूल व सूक्ष्म कणों से प्रकाश के गुजरने पर विभिन्न दिशाओं में प्रकाश का जो प्रसारण होता है उसको ही प्रकीर्णन कहा जाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित होता है। तो जिस रंग से परावर्तित होगा वही रंग अपारदर्शी वस्तु का दिखाई देगा, इस तरह से आपको याद रखना है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का, सबसे अधिक लाल रंग का होता है, बता चुका हूं। नीला, हरा और लाल रंग जो है ये तीन मूल रंग है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए मूल रंगों की संख्या कितनी है? तीन है। ये कौन कौन से हैं? नीला, हरा और लाल, ठीक है। टेलीविजन में जो रंगीन टेलीविजन में जो रंग होते हैं वो इसी तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से बना होता है। इस तीन मूल रंग से हर प्रकार के रंगों का निर्माण किया जा सकता है, सिर्फ उसका उसकी मात्रा का कॉम्बिनेशन ही हमको देखना होगा। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं, अतः आकाश जो है इसी वजह से नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाला जो रीडिंग ग्लास है वो रीडिंग ग्लास उत्तल लेंस का होता है। ध्यान दीजिएगा, जो रीडिंग ग्लास है वह किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है।
मेघाक्षित रातों में पृथ्वी से परावर्तित की गई ऊष्मा को मेघों द्वारा पृथ्वी की ओर पुनः परावर्तित कर दी जाती है, जिससे मेघाक्षदन रातें जो है गर्म रहती है या उमस भरी हुई रहती है, ये उसका कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण या प्रकीर्णन का मुख्य कारण धूल कण एवं जल वाष्प है। तो प्रकीर्णन या विसरण का प्रमुख कारण उसमें उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित धूल कण एवं जल वाष्प है। रमन प्रभाव की हम बात करें तो रमन प्रभाव किसके लिए सत्य है, रमन प्रभाव किसके लिए सत्य है, तो सभी पारदर्शी माध्यम के लिए सत्य है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, लाल रंग, ठीक है, लाल रंग, नीला रंग और हरे रंग तीनों के प्रकाश पुंज जब किसी स्थान पर एक साथ पड़ेंगे तो यहां पर आपको सफेद रंग दिखाई देगा, ठीक है। दो समानांतर दर्पणों के बीच, ये एक सम दर्पण हुआ, ये दूसरा दर्पण हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, तो दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो अनंत प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या होना आवश्यक है, दर्पण का समानांतर होना आवश्यक है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। टेलीविजन या टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, ये किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, तो अवरक्त प्रकाश तरंगों का उपयोग इसमें होता है। रिमोट में अवरक्त प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, रिमोट में अवरक्त प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। निर्वात से ध्वनि जो है पार नहीं जा सकती। ध्वनि किस तरह की तरंग है, तो यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, और ध्वनि को गमन के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता, तो ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब डेसिबल के मुताबिक उसकी, डेसिबल क्या बताता है, तो ये ध्वनि प्रबलता बताता है। डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि प्रबलता का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। तो 15 से 20 डेसिबल तक का जो साउंड होता है, जिसमें फुसफुसाहट होती है, जिसमें सुनाई भर देता है, समझ में नहीं आता क्या बात हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए दो महिलाएं आपस में फुसफुसा करके जो बात करती हैं, बगल वाले को बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, या दो ऐसे लोग मैंने ऐसा देखा है प्रैक्टिकली कि आपके बगल में बैठे हैं और मोबाइल फोन में बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं आपको पता तो चलेगा कि बात कर रहे हैं, पर क्या बात कर रहे हैं ये आप कभी नहीं सुन पाओगे। जब दो विशेष लोग एक दूसरे से इस तरह से बात करते रहते हैं, तो यह जो प्रबलता है यह 15 से 20 डेसिबल तक की होती है, फुसफुसाहट की कैटेगरी में आता है। और जो सामान्य वार्तालाप है, जो आपकी हमारी बातचीत अभी हो रही है, ये 40 से 60 डेसिबल के बीच में होता है। तो सामान्य वार्तालाप 40 से 60 डेसिबल के बीच में। शोर शराबे वाली जो आवाज है वो 90 से 95 डेसिबल तक होती है, और कारखाने की जो आवाज वगैरह है वो 100 से 105 डेसिबल तक की होती है। जेट प्लेन वगैरह जो है उसका जो साउंड है वो 120 डेसिबल तक का होता है, और आपका जो डीजे है जो कि अत्यंत हानिकारक और खतरनाक है, ठीक है, हार्ट अटैक आ जाए, बीपी बढ़ जाए, डेथ हो जाए, इतना खतरनाक डीजे होता है, जिसका काफी ज्यादा आनंद उठाया जा रहा है आज के समय में, अत्यंत हानिकारक है, खतरनाक है। तो डीजे की जो ध्वनि प्रबलता है वो 120 से लेकर 140 डेसिबल तक की होती है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की सहसीमा कितनी तक है, तो 85 से 90 डेसिबल तक की जो ध्वनि है उसको आपके जो कान है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, 85-90 डेसिबल तक का, ठीक है। तापमान एवं आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान एवं आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ट्रांसफार्मर से विद्युत वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। विद्युत वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, विद्युत वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। टर्बाइन या डायनेमो जो है इससे बिजली उत्पन्न कर की जाती है, तो किस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो टर्बाइन या डायनेमो से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है उसको, वह जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है।
विद्युत सर्किट में फ्यूज का उपयोग किया जाता है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, जिससे कि एकाएक यदि विद्युत की मात्रा या पावर बढ़ जाए तो फ्यूज तार कट करके सप्लाई रोक देता है और हमारे विद्युत उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। तो जो फ्यूज तार होता है यह उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का होना आवश्यक है। जो फ्यूज तार है वह उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का होना आवश्यक है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर 0 होती है। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर 0 होती है। ध्यान रखिएगा, तड़िक चालक जो होता है वह आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है और इससे इमारत जो है वो बिजली गिरने से बच जाते हैं। तो बड़ी इमारतों में हमेशा तड़िक चालक का प्रयोग होता है। फेरोमैग्नेटिक पाउडर से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपिंग रहती है। फेरोमैग्नेटिक पाउडर, ध्यान रखिएगा। परमाणु बम का जो कार्यकारी सिद्धांत है वह यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, जबकि हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है ये मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। फिर देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रक्रिया होती है वह नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में जो श्रृंखला होती है, जो अभिक्रिया होती है, वह अनियंत्रित होती है। यही अंतर है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को गुरुजल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को गुरुजल कहा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो अल्फा बीटा एवं गामा किरण उत्सर्जित करती है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो अल्फा बीटा एवं गामा किरण उत्सर्जित करती है। आइसोटोप वह नाभिक है, समझिएगा बात को ना, ध्यान रखना है आपको। आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो प्रोटॉन की संख्या एक जैसी है, समान है, तो वो सभी क्या होगा, आइसोटोप न्यूक्लियर कहलाएगा। आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में, शीतलक के लिए किसका, द्रव सोडियम एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के लिए, कूलेंट के लिए द्रव सोडियम या भारी जल का उपयोग किया जाता है। थोरियम प्लूटोनियम तथा यूरेनियम परमाणु ईंधन है। थोरियम प्लूटोनियम तथा यूरेनियम क्या है, तो ये परमाणु ईंधन है, ईंधन है। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी है, परमाणु रिएक्टर जो है वह आणविक भट्टी है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है, तारे का जो रंग है वो उसके ताप का सूचक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का ऐसा पिंड है जिसका घनत्व बहुत उच्च होता है, बहुत अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि किसी भी प्रकार के विकिरण इससे बाहर नहीं आ पाते। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं यह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। आकाशगंगा का रूप कैसा है, तो आकाशगंगा का स्वरूप सर्पाकार है, हमारी आकाशगंगा का स्वरूप सर्पाकार है। पृथ्वी के सबसे निकट या सबसे पास में स्थित जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र, ठीक है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम क्या है, तो पृथ्वी का नाम ग्रीन प्लैनेट है एक जीवधारी के रूप में। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, जो सैटेलाइट है वो हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को निकट विकास वेग मिल जाता है या पलायन वेग जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो उपग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर छोड़े जाते हैं हमेशा, ठीक है, पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। जो उपग्रह है वो हमेशा पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है।
सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये कैसी जगह है? यह वह स्थान है चंद्रमा पर जहां पर सर्वप्रथम मानव ने पदार्पण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। हेल बाप एक उच्छल तारा या धूमकेतु है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग अपोलो यान द्वारा 16 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रहे। इनके साथ एडविन एल्ड्रिन भी थे। तुल्यकारी या भू स्थिर उपग्रह, तुल्यकारी या जो आपका इनसेट वगैरह का जो सीरीज है, तो तुल्यकारी या जो भू स्थिर उपग्रह है वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। उच्च वेग की इकाई क्या है? मैक। तरंग धैर्य की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। कार्य का मात्रक जूल या ऊर्जा का मात्रक जूल। पास्कल किसकी इकाई है? यह दाब की इकाई है। और इसके बाद कुछ यंत्रों के बारे में हम बात करें तो देखिएगा, एम्पियर से विद्युत करंट मापा जाता है, तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। और प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। उसके बाद आपने प्रकाश वर्ष के बारे में सुना होगा। प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह दूरी का मात्रक है, दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और पारसेक भी दूरी का मात्रक है, दूरी का सबसे बड़े मात्रक के रूप में पारसेक को जाना जाता है, याद रखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, तो 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर द्रव के आपेक्षिक घनत्व की माप, हाइड्रोमीटर द्रव के आपेक्षिक घनत्व की माप, उसके साथ हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है, मैनोमीटर से गैसों के दाब की माप की जाती है, एनीमोमीटर से वायु की चाल मापा जाता है, अमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र है, टेकियोमीटर गति मापने का यंत्र है, पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है, होलोग्राफी त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छाया चित्र की तकनीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का इसमें प्रयोग होता है, गैल्वनोमीटर कम मात्रा में विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, रेडार का प्रयोग तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेडार, रेडार का प्रयोग हवा में होता है और सोनार का प्रयोग महासागर या पानी के अंदर होता है, तो सोनार से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानी जा सकती है। तो रेडार और सोनार दोनों का जो सर्वाधिक उपयोग है वो डिफेंस एरिया में, जिसको सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है सुरक्षागत कारणों से। तो ये हुए आज की क्लास में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विषय से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य, जिसको बार बार व्यापक में एग्जाम में पूछा हुआ है और इसके रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। विज्ञान से 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतना स्टडी करके जाना पर्याप्त है। और इसके साथ जो सबसे जरूरी काम आपको करना है कि जो ऑब्जेक्टिव बुक में साइंस के जितने क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं उसको आप जरूर 2 बार सॉल्व करके एग्जाम में जाएंगे, यकीन मानिए दोनों क्वेश्चन जो है उससे बाहर होने की गुंजाइश नहीं है। 99% पॉसिबिलिटीज जो है प्रश्न उसके बीच से ही होगा और एक एक क्वेश्चन से ही हमारा सिलेक्शन होगा, एक एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन संभव है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और एक तकलीफ आप जरूर उठाइएगा, गूगल में सर्च करेंगे द CGPSC कोच और वहाँ पर कोशिश कीजिए, वहाँ पर आपको गूगल में दसी GPSC कोच सर्च करके आपको 5-स्टार रेटिंग देते हुए कमेंट करके हॉस्टल वार्डन प्रिपरेशन को लेकर के जो आपके अनुभव रहे वो आपको कमेंट करके हमको बताना है। ये हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है, संस्थान की आवश्यकता है, तो इतना समय आप जरूर निकालिएगा। अगली क्लास होगी केमिस्ट्री की और उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।